हेलो दोस्तों, मेरे चैनल गेमिंग जोन एसई में आपका स्वागत है। आज हम सुपर मारियो गैलेक्सी 2 को जो कंट्रोल की मैपिंग होती है बटनों की वो करेंगे। जो हमारा गेम पैड है वो ईवीओ का एम कैट का जो गेम पैड रहेगा एम कैट ईवीओ 4 प्रो। आज हम इससे जो है इसके सुपर मारियो गैलेक्सी 2 की कंट्रोलर मैपिंग करेंगे बटनों की। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको इसके साथ साथ गेम की सेटिंग भी दिखाऊँगा और गेम प्ले करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हम इसमें इंपॉर्टेंट सेटिंग होगी हमारी, हम सिर्फ वही करेंगे और ये सेटिंग जो है हमारी ओनली वो सुपर मारियो गैलेक्सी 2 की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसकी एक बार सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग देखने के लिए मैं कुछ आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो आप आसानी से इसकी सेटिंग कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले सुपर मारियो गैलेक्सी 2 को प्ले करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब ये गेम जो है हमारा अभी प्ले नहीं करेंगे, ये इसलिए कराया मैंने प्ले, जो आपको इसके बटन दिख रहे हैं ये कंट्रोलर, जैसे कि ये वाला बटन जो आपको दिख रहे हैं ये सारे, तो हम इसके हिसाब से ही इस गेम के जो कंट्रोलर हैं, हमारे कंट्रोलर के जो बटन हैं, इनको हम इसी के हिसाब से मैप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस गेम को अभी बैक कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब हम इसकी जो है गेम की मैपिंग करते हैं, तो इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। वो जो YII इनपुट लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं एक बार फ्रेंड्स। उसके लिए जो ये लिखा हुआ है इसको पहले हम इसको इनेबल करेंगे, आपको ये डिसेबल होगा तो हम इसे एमुलेटेड करेंगे। उसके बाद जो ये हमारा ए वाला बटन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से करेंगे हम, तो ये वाला हम ए बटन प्रेस कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसके बाद ये हमारा बी है, तो हम ये वाला सिंपल बी फ्रेंड्स कर देंगे इसको क्लिक फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये एक और जो दो है वो इसमें हमारा है नहीं, तो ये माइनस और प्लस हैगा हमारा, तो इसको माइनस वाले को हम ये सिलेक्ट वाला बटन सिलेक्ट कर देंगे, और जो हमारा ये प्लस वाला बटन है फ्रेंड्स इसको हम स्टार्ट वाला बटन प्रेस कर देंगे फ्रेंड्स। ऊपर चलते हैं, होम बटन हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये आ गया IR, इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत रहती है, तो IR के लिए हम इसको फ्रेंड्स ये जो हमारा दूसरा वाला जो कंट्रोलर का जो हैंड दूसरा वो होता है इसको हम जॉयस्टिक, तो इसको हम अप कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जो ये डाउन है तो इसको हम डाउन कर देंगे। जो ये लेफ़्ट है इसको हम लेफ़्ट कर देंगे फ्रेंड्स, ये लेफ़्ट हो गया। और जो ये राइट है हम इसको राइट कर देंगे। उसके बाद हम नीचे चलेंगे, नीचे जो सेटिंग है वो देख लेते हैं। तो ये जो हमारा डी पैड होता है फ्रेंड्स, इसको हम डी पैड को भी सेट कर लेते हैं। सिंपल डी पैड ये होता है हमारा, इसको हम अप कर देंगे। और जो ये वाला है इसे हम डाउन कर देंगे फ्रेंड्स। और जो ये लेफ़्ट में है इसको हम लेफ़्ट पे कर देंगे, और जो ये राइट पे है इसको हम राइट पे कर देंगे। बाकी हम सेटिंग देखते हैं इसकी। ओके फ्रेंड्स, अब जो मेन चीज़ आ गई हमारी, ये ननचक जो होता है, इस पर हम ननचक पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। ओनली ये इस सुपर मारियो गैलेक्सी टू की जो है कंट्रोलर की मैपिंग की सेटिंग है, तो हम ननचक पे क्लिक करेंगे। और जो ये हमारा सी हैगा इसको हम वाई कर देंगे, और जो ये हमारा जेड हैगा इसको हम बी कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी क्लियर कर देंगे। जो हमारा जेड हैगा इसको हम एक्स कर देंगे फ्रेंड्स, एक्स कर देंगे। अब ये जो जॉयस्टिक हमारा अप हैगा स्टिक वाला, इसको हम अप कर देंगे। और जो ये डाउन वाला है इसे हम डाउन कर देंगे। और जो ये लेफ़्ट वाला है इसे हम लेफ़्ट कर देंगे। और जो ये हमारा राइट वाला है इसे हम राइट कर देंगे फ्रेंड्स। अब आ गया हमारा स्विंग, इसको हम ऐसे रहने देंगे। शेक बटन जो होता है फ्रेंड्स, ये इसको हम खाली इसको एक्स नीचे जो हमारे कंट्रोलर के बटन, इसको हम R1 भी कर सकते हैं, कोई सा भी बटन कर सकते हैं जो फ्री हो आपके कंट्रोलर में, तो मैं इसे R1 कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, R1 करने के बाद सिंपल हम इसको सेव कर देंगे फ्रेंड्स। अब ये तो हो गई हमारी कंट्रोलर मैपिंग की सेटिंग। अब जो आती है दूसरी सेटिंग, वो आती है हमारी सुपर मारियो गैलेक्सी 2 की सेटिंग। तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। इस पर हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और गेम सेटिंग पर क्लिक करेंगे, और ये जो जनरल लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे। CPU जो लिखा हुआ है कोर, इसे JIT ARM64 पर रखेंगे, और इस पर हम टिक कर देंगे फ्रेंड्स। इसको 100 रन देंगे, ये भी 100 रन देंगे। जो ये लिखा हुआ है CYNC ऑन स्किप आइडल, इसको हम अनटिक कर देंगे फ्रेंड्स। बाकी जो सेटिंग है इसकी हम सेम रन देंगे। अब इसको हम बैक करेंगे फ्रेंड्स, फिर ग्राफिक सेटिंग देख लेंगे हम इसकी। इसे हम ओपन GL रखेंगे, शो FPS कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे ही ऐसे रहने देना फ्रेंड्स।
एस्केप रेटियो जो लिखा हुआ है इसको हम स्ट्रेच टू विंडो कर देंगे और डिस्प्ले को जो स्केल है वो ऐसे ही रहने देंगे फ्रेंड्स। अब आगे आगे इन्हेंसमेंट्स, तो इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। रेजोल्यूशन आप कोई भी रख सकते हैं, मगर कम से कम 1.5x रखना पड़ेगा हमें। बाकी सेटिंग जो है इसे ऑफ रहने देंगे, इसे भी ऑफ रहने देंगे फ्रेंड्स। और जो ये हमारी सेटिंग जो है वैसे ही रहने देंगे सेम, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना है। हैक्स की सेटिंग देख लेते हैं। हैक्स की जो सेटिंग है फ्रेंड्स वो भी हम ऐसी ही रहने देंगे और सिंपल इसे सेव कर देंगे फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम अपना सुपर मारियो गैलेक्सी 2 का प्ले करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको जो बता रहा था आईआर, जो आईआर होता है फ्रेंड्स हमारा, वो ये चीज़ चलती है आईआर से, इसको हम आईआर बोलते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा दूं, ये जो मैंने आईआर की आपको सेटिंग दिखाई थी ये चीज़ है। तो सिंपली मैं इसको एक पे ले जाने के बाद और ए बटन दबा दूँगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा ए बटन दबा दिया मैंने और इसको मैं सिंपल ओके कर दूँगा तो ये आसानी से चलता है फ्रेंड्स। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ी मुझे दिक्कत पड़ रही है, बाकी ये सही चलता है। इसमें कोई भी आप यूसी को सेंड करता हूँ मैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक सिंपल बहुत बेस्ट सेटिंग दिखाऊंगा मैं फ्रेंड आपको, आप वीडियो में बना रहे ना, जो सब में बेस्ट सेटिंग होती है वो बहुत ज़रूरी सेटिंग है फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं, दिक्कत करता है ये गेम चलने में। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया था बटनों की मैचिंग आपको, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मेन चीज़ ये है कि ये गेम प्ले की जो वीडियो, गेम प्ले की वीडियो नहीं है, ये ओनली सेटिंग की वीडियो है। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा ये चीज़ जो है ये काम नहीं करती है फ्रेंड्स, ये काम नहीं करती है। जैसे कि हमें कोई चीज़ पकड़ना है आगे चल के हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इसकी वजह से, उसके लिए जो हमें सेटिंग है वो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या सेटिंग होती है और ये कैसे काम करता है। तो इस चीज़ में जो है काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं कि ये आखिर काम कैसे कर रहा है, क्योंकि कुछ सेटिंग ऐसी है इसकी कि पता नहीं चल सकती हमको अपनों को। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसकी थोड़ी वॉल्यूम मैं कम करता हूँ। तो मैं जो बता रहा था आपको ये चीज़ के बारे में बता रहा था, ये काम नहीं करती है, वर्क नहीं करती है। इसके लिए हमें फ्रेंड्स सबसे पहले जो है इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और ये जो आपका दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है जैसे मैंने करा था। और सबसे जो इसमें मेन चीज़ है हमारा ये लिखा हुआ होता है इसमें, स्किप ई एफ बी एक्सिस फ्रॉम CPU, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें इसे अनटिक करना है। तो जो दूसरा जो होता है स्टोर ई एफ बी कॉपीज टू टेक्सचर ओनली, इसे भी हमें फ्रेंड्स अनटिक करना है। अब आप कहोगे कि ये अनटिक क्यों कर रहे हैं, ये अनटिक कर रहे हैं मैंने इसलिए फ्रेंड्स, जो हमारा जो IR होता है वो हमारा वर्क नहीं करता है कंपेटेबल, इसको अनटिक करने के बाद हमारा जो है वो वर्क करने लगता है। और ये स्किप ई एफ बी एक्सिस फ्रॉम CPU जो लिखा हुआ, आप इसे भी अनटिक कर देंगे तो ये हमारा वर्क करेगा, मगर जो साउंड है इसकी वो ख़राब हो जाएगी अगर हम दूसरे वाला जो ऑप्शन है उसको अनटिक नहीं करेंगे, स्टोर ई एफ बी कॉपीज टू टेक्सचर ओनली को। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा वर्क करता है या नहीं करता है फ्रेंड्स। तो सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेट गया है। तो सिंपल ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैं ट्रिगर चला रहा हूँ, ये हमारा वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं सिंपली ये वर्क कर रहा है। देखो फ्रेंड्स थोड़ा मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, थोड़े FPS कम हो जाएंगे फ्रेंड, गेम हमारा प्रॉपर चलेगा बिल्कुल एकदम प्रॉपरली। आगे इसकी स्टेजों की और भी सेटिंग होती है, मगर फ़िलहाल जो है ये काफ़ी देर तक ये सेटिंग भी वर्क करती है, आगे स्टेज जाने के बाद तो काफ़ी। तो एक टिल्ट नाम से इसमें सेटिंग होती है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
फिलहाल हम ये वीडियो देखते हैं और इसको पूरा समझते हैं। अब जो आ गई मेन चीज़ हमारी, ये चीज़ शेक जो होता है, शेक। तो हमें जो मैंने आपको बताया था R1 रखा है मैंने शेक बटन को, तो इसको मैं दबाता हूँ एक बार, तो ये देखो बटन हमारा वर्क करता है। हमारा ये बटन भी, वो थोड़ा उससे मोबाइल से छुपा हुआ है फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। ये देखो ये बटन वर्क कर रहा है, ये दबा रही हूँ मैं, देखो ये चीज़, तो ये वर्क कर रही है। अब फ्रेंड्स मेन चीज़ ये हमारी, ये इसको हमें पकड़ना है, तो ये हमारा यहीं से ही आ जाएगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। ये वर्क बिल्कुल ओके कर रहा है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, आपके सब्सक्राइब से हमें थोड़ी खुशी मिलती है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो फ्रेंड्स। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप फ्रेंड्स मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।